एलिमेंट का, ये जो ई इस तरह से बनाते हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा एलिमेंट का साइन होता है। जिस तरह हर चीज़ का इट्स इक्वल का साइन है, ग्रेटर स्मॉलर का साइन है, वैसे एलिमेंट का भी साइन होता है। इज़ द सिंबल यूज टू डिनोट एलिमेंट ऑफ ए सेट। वी से फाइव एलिमेंट ऑफ ए, फाइव बिलोंग्स टू ए सेट, मतलब हम इसको फाइव इज़ द एलिमेंट ऑफ ए या फाइव बिलोंग्स टू सेट ए और थ्री बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड सेट। ये बिलोंगिंग किस, ये एलिमेंट्स किसके हैं, ए सेट्स के हैं। तो बेसिकली ये चीज़ है और ये टास्क है आपका। फिर उसके बाद है आपने क्लास एक्टिविटी। क्लास एक्टिविटी में आपने अपने करने हैं, ग्रुप्स बनाने हैं इस तरह से। सो आज का जो आपका है, यही आपका आज का टास्क है, क्योंकि आज हमारा मैथ्स का पहला लेक्चर है। तो आज आपका यही टास्क है कि आपने जो मैंने लिंक इसके साथ अटैच किया, वो आपने इसी तरीके से देखना है, और आपने टास्क को यहाँ से लेके यहाँ तक थॉरो स्टडी करके तो आपने ऑर्गेनाइज करना है कि सेट्स किस तरह से बनते हैं और किस तरह से नहीं। आगे से इंशाल्लाह सेट्स की जो टाइप्स हैं वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, और इसके जो ऑपरेशंस हैं वो भी हम इंशाल्लाह इन कमिंग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपका यही है कि आपने सेट की डेफिनेशन को अच्छी तरीके से गो थ्रू करना है, और आपने जो लिंक को मैंने अटैच किया वो आपने अच्छी तरीके से देखना है, उससे आपको सेट्स का जो इंट्रोडक्शन है प्रॉपर न्यूमेरिकल टर्म्स में अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।